रिलेटेड आप मेरा कोई भी one -shot या उमंग उठाओगे तो आपको कैरेक्टर थीम सब कुछ एक सेशन में मिल जाएगा अलोंग विद यू नो वो कैबलरी एज वेल ठीक है जो आपको उमंग सेशन में, में, में तो इससे आपका क्या फायदा होगा यू वुड नो ठीक है कि आपके कहां कहां से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आइडिया हो जाएगा चैप्टर का नाउ वंस यू आर डन विद आपने वन शॉट कर लिया एक चैप्टर का उस चैप्टर को थर्ली प्रिपेयर करने के लिए आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि आप उससे वो अब उसको आप से पढ़ो ताकि अगर आपका कोई भी डिटेलिंग्स बीच बीच में छूट गई हो कुछ भी आपकी कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज छूट गया हो तो आप वहां से पढ़ लो क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए अब ये दो तो स्टेप

अब जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है थरो कर लिया है तीसरी चीज ठीक है आपको हर चैप्टर से रिलेटेड एक माइंड मैप प्रिपेयर करना है ये माइंड मैप्स आपके लिए क्यों हेल्पफुल होंगे ये आपको हेल्पफुल होंगे एग्जाम के टाइम पे जब आपको रिवीजन करना होगा तब आपको हर चैप्टर के लिए 20-20 मिनट की वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी आपको चार चार पन्नों के चैप्टर पढ़ने नहीं पड़ेंगे आप बस उस माइंड मैप को देखकर ही समझ जाओगे कि इसमें ये कैरेक्टर्स है इसमें ये आइडिया बन रहा है ठीक है इसके अंदर ये सेटिंग है इसके अंदर ये लिटरेरी डिवाइस है पोम्स में यू सोटेड ठीक है अगर आपको ये बनाने में बहुत ज्यादा आलस आ रहा है तो द्रोणा ज्वाइन कर लो द्रोणा के अंदर आपको नोट्स मिल रहे

ठीक है सिर्फ एनसीईआरटी पकड़ो फिलहाल वही काफी है अगर आपने एनसीईआरटी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है तब आप रेफरेंस बुक्स पर भी जा सकते हो बट पहले एनसीईआरटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए बीच बीच में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं हैं पीछे जितने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है रीड नहीं करना है ठीक है ये गलती मत करना कि आप बैठ करना उसे रीड कर लो कि मैम ने ये आंसर्स लिखाए थे आप इंटरनेट से पढ़ रहे हो यू नीड टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन स्पेशली जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है ना उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपकी लिखने की आदत बने ताकि आप देख सको कि आप कहां कहां ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं ठीक है अब यह करने के बाद ये स्टेप आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम ही कंप्लीट कर देना है क्या कि आपको वैल्यू बेस्ड हर चैप्टर में से एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच बेस्ड को मार्क करके रखना है अगर एनसीआर में नहीं मिल रहा है तो आप चाहो तो मेरी वीडियो में से भी ले सकते हो ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है हर टॉपिक पे या फिर आप चाहो तो आप गूगल भी कर सकते हो और हर चैप्टर से रिलेटेड एक एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन के नोट आपके पास अलग से होने चाहिए बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन

40 on 40 ना सही बट फोर्टी में से थर्टी फाइव लाने से कोई नहीं रोक सकता सो so, अभी, अभी करना, करो guys, like you, चाहिए बैच तो कपाइस तो भी रिड्यूस हो गया ट्वेंटी हो गया बिकॉज बहुत सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी जो ऑलरेडी हो चुकी है नाउ फॉर दी ऑल दी अपमिंग क्लासेज देव वर्जन बस पुराने क्लासेस के नोट मिल जाएंगे और रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी सो प्लीज जॉइन द्रोणाइट नाउ उसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हो दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट ना इसमें कुछ नहीं पैसा चार्ज होगा यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड तीन तीन सैंपल पेपर अलॉन्ग कीज़ मिलेंगे एज पर लेटेस्ट सीबीएसई मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस so, जाओ अभी के अभी स्टेप्स बहुत आसान है आपको बस उस वीडियो पे जाना है दैट यूज ए करेंटली वाचिंग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अगर आप पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको द्रोणा वाले उस पर लेके जाएगा पेज पे जहां पे आप बाय नाउ पे क्लिक करके अपना 2500 का कोर्स खरीद सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया सेकंड लिंक जो है वो आपको टेस्ट सीरीज पर लेके जाएगा नाउ द ऑप्शन इज बाय नाउ बट यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन विदान तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद वो तो प्रोफाइल वाला ही फॉर्म आएगा बस आपको फॉर्म फिल करना है और आप सारे के सारे मॉक पेपर्स और सोल्यूशन को डाउनलोड